बीमारी से लड़कर जीतने के किस्से तो आपने काफी देखे सुने होंगे, लेकिन उसी बीमारी के इलाज के लिए खुद डॉक्टर बन जाना ऐसा कम ही सुनने और देखने को मिलता है। कुछ ऐसी ही कहानी है डॉक्टर कोमल की, रिपोर्ट देखिए आप। अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रही ये हैं डॉक्टर कोमल कानिटकर। डॉक्टर कोमल भी कभी मरीज बन गई थीं, तभी डॉक्टर बनने का सपना देखा। सालों पहले का वो ख्वाब अब हकीकत में बदल चुका है। दरअसल कोमल को सिर्फ 13 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई थी। पहले तो उन्हें लगा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि अब उन्हें डायबिटीज के साथ ही जीना होगा तो उन्होंने खुद ही डॉक्टर बनने की जिद ठानी। तो सोचा कि अगर जिंदगी भर का साथ है तो क्यों ना इसमें थोड़ी सी मिठास लाई जाए। तो सोचा कि चलो फिर जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहते हैं वैसे नहीं जीना है मुझे। पेशेंट का ऑपोजिट होता है डॉक्टर। अगर मैं डॉक्टर बन के दिखाऊँ तो मैं अपनी ज़िंदगी से मैं लोगों को ये दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, दर्शा सकती हूँ कि अगर आप मेहनत करो, अगर आप श्रम करो तो ये ज़रूर हो सकता है। आपको डायबिटीज़, आप एक पेशेंट बन के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल तरह से जी सकते हो। अगर एक 13 साल की लड़की कर सकती है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बचपन में डॉक्टर कोमल का शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा, यानी 300 से 350 के आसपास होता था, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो अपना इलाज खुद करती हैं और अब उनका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल, यानी 90 से 100 के बीच में ही रहता है। तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है कि तभी लगा नहीं था, तभी कि कभी नॉर्मल हो जाएगा। कभी ये भी नहीं लगा था कि कहीं एक दिन ऐसे बैठ के एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू भी दूँगी। तो कल क्या था, क्या हुआ, उसे भूल जाइए और खूबसूरत भविष्य की ओर देखिए। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, आपके लिए लेकर हाजिर होंगे शुभ समाचार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।